हर कोई चोरी भी करता है, कुछ भी करता है, किसके लिए करता है, किसके लिए ऑटो वाले भी 10-20 रुपए फालतू देती थी, वो छोड़ के आता अंदर तक। हेलो गाइस, मैं मुजफ्फरनगर से तो वापस आ गया था कल रात को। अब सुबह 9:30 में निकल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा। आज बहुत लंबा मतलब ट्रैवलिंग है, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फिर घर। मतलब यहाँ से ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फिर घर, बहुत मतलब 100-110 किलोमीटर मेरा आज हो जाएगा। चलते हैं, खाना नाश्ता पैक कर लिया है, नाश्ता मैं ट्रैवलिंग में खा लूँगा जब टाइम मिलेगा मुझे। तो भाई हम फुल्ली रेडी, अब सीधा ग्रेटर नोएडा निकलेंगे, मतलब परी चौक के पास जाना है, समझ सकते हो। उसके बाद वहीं से गुड़गांव, मतलब अपने घर के पास से ही जाऊँगा यहीं से रिमिशल के होते हुए। तो भाई अपने काम की जगह तो हम बोल रहे हैं, मुझे लगा स्कूटी का पीछे पंचर हो गया, मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा ऐसे लगा। फिनिश विद द वर्क, घर जा रहा हूँ। मेरी कुकिंग के टाइम पे इंटरनेट फास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। लाइक देखो, तो इसके बाद मुजफ्फरनगर से आया, सुबह नाश्ता भी नहीं करा, चाय भी पी, इससे पानी आधा गिलास, बस यहाँ पे क्लाइंट के साथ आधा गिलास खाना। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। यहाँ से 65 मतलब मान के चलो 70 किलोमीटर है, क्योंकि 5 किलोमीटर मेरे पता मैं ढूंढने टाँडने में लग जाएंगे इधर उधर। अब लेट्स सी, होपफुली आ गया, मतलब सही आ गई क्या? हाँ सही, पहुँच गया। वो दिखा रहा है 1.5 घंटा स्कूटी से जाना है। आप देखो, क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे पंचर हो रही है और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरी गाड़ी बस कार ले जाने वाला था आज, बट वो भी पंचर पड़ी। अब आराम करेंगे भैया, मम्मी ने क्या बड़े तरीके से खाने भाई यहाँ पर पंचर वाला है। अरे तो यहाँ पर पंचर वाला है, यहाँ पर जिस कॉलोनी में काम करने आया था मैं, उसी कॉलोनी में करवा रहा हूँ यहाँ पर काम। देखते पंचर का भैया टायर खोल रहे हैं, टायर खोल के योगा जोड़ लिया। कहाँ से? एक हुआ भाई साहब, एक ही लगाएंगे, दो हुए दो नहीं लगाएंगे। आप देखो ना, मुझे नहीं पता, हमने तो बता दिया था मैं दो है। कहाँ से दिखाते थे भाई? एक तो ये कर रहा है लीक, दूसरा देखो ये रहा, दिख गया? चेक करो कुछ, हाँ चेक करवा दो कुछ, ये लग तो रहे हैं ना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। मैंने बोला था कि देखो घर के पास से जाऊंगा। ये डीएलएफ, यहीं पे पेट्रोल डलवा रहा हूँ, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, एंड चल रहा है। उसके बाद अपना भैया यहाँ से निकले गुड़गांव, घर नहीं जा रहा था। काम के लिए तो लेट हो जाऊँगा, 20-25 मिनट बट चलता है गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव, तो एक तरह से ड्राइंग कर। क्या हुआ? बाहर खाना है? बता। गुड़गांव में से काम खत्म, यहाँ काम थोड़ा जल्दी निपटा दिया, अब जा रहे हैं घर। अब भाई घर पे जाकर आराम से चिकन फाड़ेंगे, चिकन बनवाएंगे। भैया बहुत भूख लग रही है और मैं थोड़ा बहुत अंडा वंडा खा ली, तो उसके बाद कुछ खाया नहीं। अब घर जाएंगे, उसके बाद अपना इन्जॉयमेंट और क्या सीन है कुछ पता नहीं। भाई ये है क्लास सेक्सी बंदे, ये भी खड़े हुए थे यहाँ पे, मैंने इनको देख के गाड़ी रोक ली थी। आज मैंने 3 स्टेट पार करी, मतलब नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा, मतलब एक मान लो उसका दिल्ली, फिर उसका गुड़गांव, वो भी सेंटर वहाँ आके मानेसर के पास। बहुत ट्रैवलिंग हो गई भाई, अब जाके पीठ दर्द कर रही है मेरी, बहुत गंदी वाली स्कूटी पे हूँ, देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूँ घर। घर आ गए भैया, जो सुकून मिलता है कहीं नहीं मिलता है। मतलब आज 120 या 130 किलोमीटर स्कूटी चलाई है, नोएडा यहाँ से गुड़गांव भैया, ट्राइंगल मजा आया, कोई एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क यही होता है। चाय बना रही मम्मी, उसके बाद चाय पियेंगे और रेस्ट सीरीज देखेंगे। यार ये चल रहा है भैया अपना आजकल। आगे भैया, थैंक यू, कितने हो गए? ये बताइए, कड़ी बातचीत, अपना मनपसंद खाना क्या बन रहा है? मनपसंद खाना सबको पता ही है, अपना हटो हटो अपना ये चिकन रोस्टेड ले आओ। हमारी सुनीता दीदी, हमारी मम्मी रुमाली बना, सब खाते हैं, मैं टेंशन नहीं। हमारी मम्मी पता नहीं क्यों सबसे छुपाती है, मैं चिकन खाती हैं।
पता नहीं क्या डाला है, और सब उसको कहती है मैं नहीं खाती, और चुपचाप खा लेती है। सोना की तरह, सोना भी ऐसी है, सोना कहती है मैं नहीं खाती, और सोना खा लेती है जब मर्जी हमारे साथ हमारी है। तो करते हो जिगरा ठोक के करो अल्लाह एक और बात, जिनसे हमने बेड लिया था, जब ये वाला बेड जो लिया था हमने, तो उनके फादर ने एक चीज़ समझाई थी हमें कि ईमानदारी से अगर कुछ भी करोगे ये पक्का है, पक्का है। और अगर देख हर कोई चोरी भी करता है, कुछ भी करता है, वो किसके लिए करता है? इसके लिए करता है, एंड ऑफ द डे इसके लिए। तो ईमानदारी का होना चाहे 2 रुपये कमाओ, मगर ईमानदारी का, गलत कमाओगे ज़्यादा फलेगा नहीं, बहुत जल्दी चले जाएगा, इसका ईमानदारी का। इस पार्ट में जब मैं घर में लगता है घंटे, और जो बच्चे सो रहे हैं सब लाऊँ मेरा वो कवर कर दिया ऑफिस थे भाई, नेटफ्लिक्स चला दो बस यहाँ पर, चिल बिंदास। ये इसकी हरकत ये है, छोड़ के आती है, मतलब शर्म नहीं आती कि ऑटो वाले को बोलते कि घूम के आ जाए, आ रहा हूँ घूम के। तो ऑटो वाले को 10-20 रुपये फालतू दे दी, वो छोड़ के आया था अंदर तक। नाटक मत कर, चल बैठ, तकलीफ कर रही है, चादर छूट के आऊँ देख ले। तो भाई आ रहा था मेरी, देखो चादर से सीधा उठ के आया हूँ, कहाँ से लेने के लिए? सिर्फ 2 नंबर गेट से लेने के लिए, अपने घर के बाहर से, घर के बाहर से ही लेने आया हूँ, बस घर के बाहर से। There's not much to do when all I can